उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से पटाखा कारोबार कर रहे लोगों पर छापेमारी अभियान चलाया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हजारों रुपए के पटाखे बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने पटाखे बेचने वाले एक आरोपी आदिब को भी गिरफ्तार किया है। नगर कोतवाली पुलिस ने नगर के गद्दापाड़ा मोहल्ले में छापेमारी करते हुए कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी को जेल भेज रही है। डीएसपी SN वैभव पांडे ने बताया कि जनपद हापुड़ में अवैध पटाखा का भंडार करना और इन्हें सेल करना पूर्णतया बैन है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गद्दापाड़ा में एक व्यक्ति जो कि जनरल स्टोर और परचून की दुकान की आड़ में अवैध रूप से पटाखा बेच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर युवक आदिब को अवैध पटाखों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उससे हजारों रुपए के पटाखे भी बरामद कर लिए और युवक के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, नगर कोतवाली पुलिस द्वारा छापेमारी कर अवैध पटाखों वालों पर कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जनपद हापुड़ में अवैध पटाखों का भंडारण करना एवं इसका सेल करना सभी पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि कोतवाली क्षेत्र में गद्दापाड़ा में एक व्यक्ति जो है जो कि परचून की दुकान या जनरल स्टोर रखा था उसकी आड़ में पटाखे बेच रहा था। तो सूचना प्राप्त हुई तो टीम बना के वहाँ छापा मारा गया था। तो वहाँ पे एक व्यक्ति पकड़ा गया, साथ ही अवैध पटाखे पकड़े गए, जिस पे कार्रवाई करते हुए उस पर अभियोग दर्ज कर दिया गया, उसको जेल भेज दिया गया।